भदोही जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 373 करोड़ के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित करने के साथ ही कृषि क्षेत्र से जुड़े तीन उद्यमियों को सम्मानित किया है। भदोही जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी के विकास में सबसे बड़ी बाधा राजनीति में अपराधीकरण था। आज अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। सरकार का संकल्प है कि राजनीति के अपराधीकरण को पूरी तरह बेदखल करना। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले कोई भी पर्व शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मना सकते थे। त्योहारों पर कर्फ्यू लग जाता था, दंगे शुरू हो जाते थे, पेशेवर दंगाई आकर के पर्वों में दखल डालते थे। आज पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाते हैं। आज किसी ने किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा किया, किसी व्यापारी को प्रताड़ित किया, तो प्रदेश सरकार का बुलडोजर हमेशा खड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि अगर पर्व और त्योहारों में किसी ने खलल डालकर दंगा भड़काने का कार्य किया तो उसको पहले ही 7 पीढ़ियों का पट्टा कर देना चाहिए, वह 7 पीढ़ियों तक इसकी भरपाई करता रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए राम मंदिर के मामले पर बोलते हुए कहा कि अगर केंद्र में मोदी जी की और यूपी में भाजपा की सरकार ना होती तो क्या राम मंदिर बन गया होता। उन्होंने मौजूदा जनता से पूछा कि क्या आप राम मंदिर बनने से खुश हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण ना तो सपा कर सकती थी और ना ही कांग्रेस। भदोही से राकेश सिंह की रिपोर्ट। और भाइयों बहनों, जो यहां के विकास में सबसे बड़ी बाधा थी राजनीति का प्राधिकरण, आज तो अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए जितनी सख्ती हो सकती है, हमारा संकल्प है हम किसी बहन को विधवा नहीं होने देंगे, किसी बच्चे को अनाथ नहीं होने देंगे, लेकिन राजनीति से अपराधियों को पूरी तरह बेदखल करने का कार्य भी करेंगे। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से आप नहीं मना सकते थे। पर्व और त्योहार आता था और फिर कर्फ्यू लग जाता था, दंगे शुरू हो जाते थे, पेशेवर दंगाई आकर के पर्व और त्योहारों में खलल डालने का कार्य करते थे। आज तो पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, हम लोगों का एक बहुत स्पष्ट संदेश है, हम सुरक्षा सबको देंगे, योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा किया, किसी गरीब और निरीह और किसी व्यापारी को प्रताड़ित किया, तो फिर सार्वजनिक संपत्ति को कोई कब्जा करेगा तो प्रदेश सरकार का भी बुलडोजर हमेशा खड़ा रहता है। और यही नहीं, सरकार का संकल्प यह भी है कि अगर किसी ने पर्व और त्योहारों में खलल डाल करके दंगा भड़काने का कार्य किया तो उसको पहले ही एक पट्टा कर देना चाहिए 7 पीढ़ियों का, कि 7 पीढ़ियों तक वो इसकी भरपाई करता रहेगा। अगर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार नहीं होती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर बन गया होता? आप राम मंदिर बनने से खुश हैं? जो लोग खुश हैं हाथ खड़ा करो। सभी लोग खुश हैं? क्या ये काम समाजवादी पार्टी कर पाती? क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? ये कार्य कौन कर रहा है? तो यही कहने के लिए हम लोग आए हैं, जो आस्था को सम्मान दे, विकास की योजना